brought to you by Techno Spark 20 series smartphones. I'm superhuman. सतना की जनता ने गणेश सिंह का असली रूप देख लिया है और जिस तरीके से गणेश सिंह को चार बार मौका मिला और उन्होंने सतना के विकास पे जिस तरह भट्टा बैठाया है तो सतना की जनता उनसे है नाराज। जो यहाँ का पलायन रोकना है कि यहाँ लोगों को अच्छा स्वास्थ्य लाभ मिल सके, अच्छा मेडिकल सेंटर तैयार हो और एजुकेशन सेंटर अच्छा तैयार हो और जो यहाँ की लोकल इंडस्ट्रियाँ हैं वहाँ लोकल लोगों को रोजगार 100% मिले। तो दिखावा करने वाले लोग ज़्यादा है, तैयारी किसी भी व्यक्ति की नहीं थी कि सतना में किसी ने तैयारी की। नारायण त्रिपाठी महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, उनके अच्छा राजनीतिक अनुभव है उनके साथ, लेकिन उनका भी वो चिरपरिचित है, कुछ नया नहीं है, तो मुझे लगता नहीं कि कुछ अनएक्सपेक्टेड होगा, जो है सब सामान्य है। नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं एमपी तक और एमपी तक मौजूद है सतना में। और सतना में आपको बता दें कि एक तरफ जहां पर गणेश सिंह बीजेपी से प्रत्याशी है, वहीं कांग्रेस प्रत्याशी है सिद्धार्थ कुशवाहा। और इस वक्त सिद्धार्थ कुशवाहा जो है वो हमारे साथ मौजूद है, सतना से विधायक भी है। विधानसभा चुनाव में गणेश सिंह को आपने हराया था और अब एक बार फिर आपका मुकाबला जो है वो लोकसभा चुनाव में हो रहा है, बहुत दिन बचे नहीं है वोटिंग में, क्या लग रहा है इस बार क्या होगा? सतना की जनता ने गणेश सिंह का असली रूप देख लिया है और जिस तरीके से गणेश सिंह को चार बार मौका मिला और उन्होंने सतना के विकास पे जिस तरह भट्टा बैठाया है तो सतना की जनता उनसे है नाराज और उनको अब भारतीय जनता पार्टी से कोई उम्मीद है नहीं है। और कांग्रेस के कैंडिडेट होने के नाते या जिस तरीके से हम लोगों के रिश्ते हैं, संबंध हैं आम जनता से, उन संबंधों के कारण जनता ने जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में मुझ पर विश्वास जताया था वही चीज़ लोकसभा में भी बनती जा रही है और मुझे पूरा विश्वास है कि लोकसभा चुनाव में विधानसभा का रिजल्ट दोबारा रिपीट होगा। मुद्दे क्या हैं कांग्रेस के सतना लोकसभा सीट पर, क्या मुद्दे हैं? सबसे पहले तो यहाँ का जो सड़क बिजली पानी की जो मूलभूत आवश्यकता है वो तो है ही, साथ में जो यहाँ का पलायन रोकना है कि यहाँ लोगों को अच्छा स्वास्थ्य लाभ मिल सके, अच्छा मेडिकल सेंटर तैयार हो और एजुकेशन सेंटर अच्छा तैयार हो और जो यहाँ की लोकल इंडस्ट्रियाँ हैं वहाँ लोकल लोगों को रोज़गार 100% मिले और उनकी प्राथमिकता होनी चाहिए और पलायन रुकना चाहिए ताकि हमारे यहाँ का जो गौरव है, हमारे यहाँ का जो टैलेंट है वो लोकल में काम करके लोगों की सेवा कर सके। बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दों पर जो है क्या लग रहा है आपको कि जनता क्या इस बार इन मुद्दों के साथ चुनाव में जाएगी वोट डालने? बिल्कुल जाएगी, जिस तरीके से लोग परेशान हुए हैं, जिस तरीके से लोगों को कष्ट हुआ है पिछले कई सालों से, आप देखिए लगातार लोग आंदोलन पर आंदोलन हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कई बार मुख्य मुद्दों से लोगों को ध्यान भटकाने के लिए कभी धर्म का आड़ लिया, कभी राष्ट्रवाद का आड़ लिया, कभी कुछ अलग अलग समय पर अलग अलग मौके उन्होंने अपनाए हैं, लेकिन इस बार जनता भटकेगी नहीं और पूरे देश में ऐसा रिजल्ट आने वाला है जिससे एक ना एक दिन सबको आश्चर्य होगा। जब आपको टिकट मिला था कांग्रेस से लोकसभा चुनाव में, यहाँ पर कुछ नेताओं ने नाराज़गी भी जाहिर की थी, गुटबाजी भी नज़र आई थी और कांग्रेस में गुटबाजी की खबरें हर चुनाव से पहले आ रही होती है, तो क्या लग रहा है सतना में क्या नाराज़गी कांग्रेस नेताओं की आपको दोबारा टिकट दिए जाने को लेकर भारी पड़ सकती है? देखिए वो तो बहुत से लोगों की उम्मीदें होती है, बहुत से लोग प्रयास करते हैं, तो ये तो साधारण सी बात है कि लोग अपना पक्ष रखेंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दिखावा ज़्यादा करते हैं, तो कांग्रेस में दिखावा करने वाले लोग ज़्यादा है, तैयारी किसी भी व्यक्ति की नहीं थी कि सतना में किसी ने तैयारी की हो। जी, नारायण त्रिपाठी भी चुनावी मैदान में हैं, बीएसपी से चुनाव लड़ रहे हैं, वोट कांग्रेस के कट सकते हैं? अब वोट कांग्रेस के कटेंगे, भाजपा के कटेंगे तो समय बताएगा। आपको क्या लग रहा है नुकसान किसका होगा? नुकसान क्यों होगा, बसपा का अपना वोट बैंक है, अपना वोट लेके वो रहेंगे। तो नारायण त्रिपाठी थ्रेट नहीं है? नारायण त्रिपाठी महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, उनके अच्छा राजनीतिक अनुभव है उनके साथ, लेकिन उनका भी वो चिरपरिचित है, कुछ नया नहीं है, तो मुझे लगता नहीं कि कुछ अनएक्सपेक्टेड होगा, जो है सब सामान्य है। अच्छा, बिल्कुल। अब मोदी की गारंटी वर्सेस कांग्रेस का मैनिफेस्टो,
कौन ज्यादा आपको लग रहा है कि लोगों तक पहुंच रहा है, और जनता जो है जब मोदी वर्सेस हु की बात होती है तो उसको लेकर सतना की जनता क्या क्या लग रहा है आपको, क्या सोच क्या है? हम लोग वन वे रास्ते पे चलने वाले लोग, कांग्रेस के मैनिफेस्टो के अलावा भाजपा के मैनिफेस्टो पे अपने को ध्यान ही नहीं जाता कि वो क्या बोल रहे, क्योंकि उनकी तो हर बात जुमला होती है और हर जुमला मोदी की गारंटी होती है, तो जब जुमला ही गारंटी है तो मैनिफेस्टो को पढ़ना क्या, क्यों समय खराब करे? और हमारे कांग्रेस ने हमेशा जनता के लिए काम किया, देश के अंतिम छोर के व्यक्ति के लिए काम किया, हर गांव से लेकर शहर तक के लिए जो काम किया है, तो कांग्रेस का विश्वास जनता में है, सो है, हम उसी के साथ जी रहे हैं, उसी के साथ आगे बढ़ रहे हैं जी। इस बार बीजेपी मिशन 29 लेके चल रही है, आप लोगों को क्या लग रहा है कांग्रेस इस बार क्या सोच रही है, मध्य प्रदेश के लोकसभा चुनाव के नतीजों में क्या? बीजेपी तो 404 भी कह रही है, बीजेपी कहने के लिए कुछ भी कहे उससे क्या फर्क पड़ता है, परिणाम आएगा 6 जून को तो पता चल जाएगा। 4 जून को आपको क्या लगा सतना का नतीजा क्या होगा? सतना कांग्रेस में होगा, मार्जिन है? मार्जिन वो जनता तय करेगी। बिल्कुल, तो सिद्धार्थ कुशवाहा हमारे साथ जुड़े हुए थे और कहा कि सतना में एक बार फिर जनता जो है वो उन्हें चुनेगी, नारायण त्रिपाठी को बड़ा थ्रेट नहीं मान के चल रहे हैं, हालांकि 4 जून को चलेगा पता कि आखिर सतना की जनता ने किसको चुना है। सतना से एमपी तक के लिए आकांक्षा ठाकुर।